हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगिंग के बारे में और बात करेंगे किस तरह से आप ब्लॉगर वेबसाइट पे कोई भी यूट्यूब वीडियो एम्बेड कराते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि अगर हम वीडियो एम्बेड की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं वीडियो को लिंक कराने की ब्लॉगिंग वेबसाइट पे फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। तो देखिएगा दोस्तों, जो एम्बेड वीडियोज़ रहती हैं वो जनरल जो वीडियो अपलोड रहते हैं उससे किस तरह डिफरेंट रहती हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि अगर आप कोई भी वीडियो एम्बेड कराते हैं और नॉर्मली अपलोड करते हैं तो देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप किसी और की वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एंड आप एम्बेड नहीं करा रहे हैं, तो ऐसे में क्या है कि जो आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो इलीगल मानी जा सकती है एंड जो वीडियो आपने अपलोड की है उसका कोई भी बेनिफिट डायरेक्ट उस क्रिएटर को नहीं जाएगा जो उसका असली हकदार है, मालिक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है, ये जो वीडियो है अगर आप ये अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर अपलोड करते हैं एंड एम्बेड नहीं कराते, आप डाउनलोड करते हैं एंड देन वहां पे जाके अपलोड कर देते हैं, तो ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि हमें उसका कोई रिवेन्यू नहीं मिलेगा बल्कि आपको मिलेगा। बल्कि इन फ्यूचर अगर मैं कभी मुझे पता लगता है और मैं आप पे केस करता हूं तो आप कॉपीराइट के तहत आपकी वो जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है एंड आपको पनिश भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका कभी कोई वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उससे रिलेटेड, उस कंटेंट से रिलेटेड आप कोई अच्छी सी वीडियो जो कि मेरी बनाई हुई यूट्यूब पे ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें, एम्बेड कराएं, तो वो वीडियो आप एम्बेड कराएंगे, वहां पे जितने भी व्यूज रहेंगे आपकी वेबसाइट पे वो सारे के सारे मेरे में काउंट होंगे। मतलब चाहे आप यूट्यूब पे आके मैनुअली मेरा सर्च करिए चैनल एंड वीडियो देखिए, या फिर आप किसी और की ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे मेरी वो वीडियो एम्बेड के रूप में देखिए। तो कहने का मतलब ये कि एम्बेड कराना किसी भी वीडियो का वो रियल एक्सपीरियंस देता है कि आप चाहे यूट्यूब पे मेरा चैनल विजिट करिए या फिर किसी और की वेबसाइट या फिर मेरी ही वेबसाइट पे मेरा वो यूट्यूब का चैनल या वीडियो आप वहाँ पे देखिए। तो ये जनरल सा मीनिंग हो जाता है एम्बेड का। एम्बेड का मतलब सिर्फ इतना ही सीमित नहीं रहता, एम्बेड वीडियोज़ के अलावा आप एम्बेड टेक्स्ट कर सकते हैं एंड गूगल फॉर्म्स कर सकते हैं। कोई भी अगर टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, लाइक मैंने ऑलरेडी गूगल फॉर्म्स वाली वीडियोज़ में आपको बताया था, आप ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप कोई ट्रेनर हैं, टीचर हैं या फिर ऐसे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका साइड में जो ऑनलाइन बिजनेस रहेगा या फिर जो ऑनलाइन आपका तरीका रहेगा एक ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराने का, आपकी वेबसाइट को बूम देने का, जेक कर देने का, वो इससे काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। आप मॉक टेस्ट वगैरह को भी आपकी वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, ब्लॉगिंग जो आपका पोस्ट रहेगा एम्बेड करा सकते हैं, जहां से कोई भी अगर यूजर आता है उस चैनल पे वहां पे टेस्ट देगा, मॉक टेस्ट देगा, तो वो डायरेक्ट आपको रिपोर्ट दी जाएगी गूगल फॉर्म्स में, बल्कि जो उसका रेवेन्यू रहेगा एड्स का वो या फिर विजिटर्स का वो सीधा आपके खाते में आएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप समझ पाए होंगे कि एम्बेड आखिर हम वीडियोस क्यों करते हैं। दूसरी बात कि जैसे आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे एम्बेड एंड नॉन एम्बेड वीडियो अगर आप देखें तो जो आप जनरली लिंक कराते हैं दोस्तों वीडियोस, उसका फॉर्मेटिंग अगर आप देखें, उसका अगर आप सेटिंग देखें तो आप उसे मैनुअली कोई ज़्यादा सेट नहीं कर सकते एंड वो अलग सा ही दिखता है, उस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता। बल्कि एम्बेड वीडियोज़ में अगर आप कोई एम्बेड वीडियो कराते हैं आपकी यूट्यूब चैनल से, ब्लॉगिंग वेबसाइट पे और एनी वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे मैनी कंट्रोल्स दे सकते हैं, लाइक ऑटो प्ले, म्यूट, लूप एंड कंट्रोल्स, बहुत तरह के। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाएंगे। उसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर आप एम्बेड वीडियोस कराते हैं तो ये काफ़ी अच्छा रहता है, शानदार रहता है, इसमें काफ़ी आप एडिटिंग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML टैग्स। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम दो बातें और सीख लें कि अगर मान लीजिए आपको एम्बेड कराना आ ही गया तो आप ब्लॉगिंग वेबसाइट पे HTML टैग्स पे कहाँ पे आप ये लिंक पुट करेंगे, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इन ब्रीफ हम आपको बता दें कि जो हम यूज करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं DIV एंड स्पैन का। तो जो टैग्स रहता है DIV का, वो करता है क्या कि आपका जो खंड रहता है, सेक्शन रहता है, उसको ब्रेक कराने के लिए, उसको अलग सेक्शन डिफाइन करने के लिए होता है DIV का यूज HTML टैग में। बल्कि स्पैन का वो लाइन ब्रेक नहीं कराता, बल्कि स्पैन एक वो भी खंड ब्रेक करता है, बल्कि वो कंटिन्यूस ब्रेक करता है। तो दोस्तों, चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल एंड आप हमारे साथ बने रहो। हम ये सीखने के लिए आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये देखिए, मैं इन दो में से कोई एक वीडियो, लाइक मैं ये वाला यहाँ पे मैं फीचर कराऊंगा, मतलब मैं एम्बेड कराऊंगा। आप ये देख सकते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट का है। यहाँ पे जब आप कोई भी नया ट्यूटोरियल लिखते हैं, फिर कोई भी नया आर्टिकल लिखते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, तो कुछ ऐसा दिखता है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे कंटेंट दे दिया है ताकि आपको यहाँ पे जब जाएं HTML व्यू पे तो कुछ आपको पहले से कंटेंट मिलता रहे यहाँ पे। तो देखिएगा, जो भी मैं बात कर रहा था DIV की, तो आप ये देखेंगे जो DIV है, और यहाँ पे मैं आपको और पास से ले जाकर दिखाता हूँ, ये जो आपका DIV ये वाला है, और यहाँ पे देखिए ये टैग क्लोज हुआ है, मतलब इससे पहले का जो सेक्शन है वो बिल्कुल
बिल्कुल एंड हो चुका है, इसके बीच में अगर कोई भी कंटेंट है, बीच में अगर कोई भी यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं उसका इससे पहले वाले से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, चाहे आप वहाँ पे लाइक फॉन्ट फॉर्मेटिंग कोई दे दें या फिर बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग कोई दे दें। इसी तरह से अगर कहीं मान लीजिए कि आपका स्पेन मिल रहा है, इन फ्यूचर अगर आप कभी वर्क कर रहे हों तो उसका मतलब यही रहेगा कि उस पर्टिकुलर एक खंड के लिए, उस पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए वो वाला टैग यूज़ किया गया है, ताकि वो वाले टैग्स केवल उसी के लिए एप्लीकेबल रहें, उसी के बीच वाले के लिए एप्लीकेबल रहें जहाँ जहाँ पर आप इस टैग को ओपन एंड क्लोज करते हैं। तो देखिएगा, जब कभी भी आप कोई भी ऐसा टैग दिए या फिर कोई भी वीडियो एम्बेड कराएं, लाइक मैं इसी पे जा रहा हूँ, देखिएगा मैं इस पे गया एंड आपके सामने यहाँ पे ये वीडियो का जाएगा और एम्बेड का ऑप्शन भी आएगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे जाना है शेयर ऑप्शन पे। जैसे आप शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए, मैं डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो आपको किस तरह से करना है। तो देखिएगा, एम्बेड पे आप जाएं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिएगा कि जो youtube.be लिखा है और यहाँ पे इसके आगे ये जो आपका लिंक है, URL है, आप ये जो स्लेस लगा है बी के बाद आप उसे देख लीजिए, Q9NL लिखा है। एम्बेड पे जाएंगे तो यहीं पे देखिए आपको पूरा एम्बेड का यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिख जाएगा एंड यहाँ पे जैसे आप ये जाएंगे देखेंगे ये जो लिंक है HTTPS और यहाँ पे स्लेस है एंड www. ये जितना भी है एम्बेड के बाद आप ये देखेंगे Q9 ही है, जो कि आप लिंक वहाँ पे URL देखे हैं बी के बाद। तो चलिए हम आपको इसका बताएंगे यूज़ क्या रहता है। आप इसे क्लिक कर लीजिए एंड आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कॉपी कर सकते हैं। आप इसे कॉपी करने के बाद अगेन जाएंगे आपकी जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है वहाँ पे जाइए। जैसे आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी आप एंट्री करना चाहते हैं, जहाँ पे भी आप अपनी वीडियो शो करवाना चाहते हैं, आप वहीं पे जाइए और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जो आपका DIV है और उससे पहले जो स्लेस लगा है, मतलब जहाँ पे DIV टैग क्लोज हुआ हो उसके जस्ट बाद आपको क्या कर देना है, कंट्रोल भी कर देना है, पेस्ट कर देना है। लाइक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ से माउस क्लिकिंग से, शायद ये हो गया दोस्तों। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अपना एम्बेड हो चुका है। अब मैं आपको इसके कंट्रोल्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा दूँ। देखिएगा, मैंने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया है, अब आपके सामने ये वीडियो ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये वीडियो आपकी एम्बेड हो गई है। दोस्तों, आगे बात करने से पहले, कंट्रोल्स के बारे में बात करने से पहले, हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मेरे वेबसाइट का है। ये देखिए मेरी वेबसाइट का है, ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है एंड यहाँ पे अगर आप जाएंगे और बॉटम पे जाएंगे तो आप ये देखेंगे ये वीडियो अपने आप प्ले हो रही है, अपने आप ये प्ले हो रही है, म्यूटेड है, मतलब कोई भी अगर इंसान इसे चला रहा है वो नहीं समझेगा कि नीचे कोई वीडियो प्ले हो रही है कि नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे क्या मिलता है, देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई मेरे इस ब्लॉगिंग वेबसाइट पर आता है तो ऑलरेडी मेरी एक वीडियो, इसके बाद जो और वीडियोज रहेंगी लाइक स्वैग बॉक्स पे एंड ये वाली जो वीडियो है, इसके अतिरिक्त जो कुछ वीडियो हैं, ये देखिए अपने आप ये वीडियोज चल रही हैं, मतलब इसका वॉच टाइम जो है वो मेरे चैनल पे ऐड हो जाएगा एंड जो इस पे व्यूज हैं मेरे YouTube वीडियोस पे वो इस पे काउंट होते जाएंगे, मतलब मुझे एक साथ दो बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह आप क्या करा सकते हैं, एम्बेड करा के ऑटो प्ले एंड म्यूट ऑप्शन दे सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको यहां पे दिखाता हूं ऑटो प्ले एंड म्यूट के अलावा मैं आपको लूप करके भी दिखाऊंगा और कंट्रोल्स करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप डिफरेंट यहां पे ऑप्शंस दे सकते हैं। तो देखिएगा, जो ऑटो प्ले रहता है वो ऑप्शन क्या करेगा कि जब से कोई आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे आएगा, लाइक प्रीव्यू पे आप गए, यहाँ पे वीडियो अपने आप प्ले नहीं हो रही है, तो वो अपने आप प्ले होने लगेगी। तो आप यहीं पे वापस जाइए, आपको करना क्या है, जहाँ पे आप देखिएगा, ये देखिए एम्बेड आपने जो कराया है, एम्बेड जो भी आप वीडियो कराएंगे तो उसका आई फ्रेम रहेगा यहाँ पे टैग, आपको बेसिक HTML देखिए दोस्तों आना चाहिए, आई फ्रेम क्लोज है, इसी के बीच पे है। देखिएगा, वीडियो के विड्थ आप हमेशा जनरली रख सकते हैं, जो कि डिफरेंट रख सकते हैं, जैसे आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट का जो फॉर्मेटिंग है आप उसके हिसाब से दे सकते हैं। मैं जनरली 480 देना पसंद करता हूँ, विड्थ एंड हाइट इसका 315 रहने देना पसंद करता हूँ। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, ये जो SRC है, मतलब यहाँ पे जो एंट्री हुई है लिंक की, वहाँ पे आप जाइए एंड जहाँ पे आपको मिल जाएगा ये डुअल कोट्स, आपको ये कोट्स मिल रहा है आप देख पाएंगे, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको करना क्या है, ऑटो प्ले। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं दे रहा हूँ AUTOPLAY, स्पेलिंग का खास ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग सेंसिटिव है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये आपका नहीं काम करेगा। बराबर करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक लिखना है, अगर आप एक लिखते हैं तो मतलब ऑटो प्ले का जो रूल है उसमें एक का मतलब यस हो जाएगा, जीरो का मतलब नो हो जाएगा। अगर आप ऑटो प्ले बराबर जीरो करेंगे तो ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऑटो प्ले एक कर देते हैं तो मतलब ये वीडियो अपने आप प्ले होगी। तो चलिए अब यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे प्रीव्यू पे फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिएगा आपके सामने वीडियो है, ये अपने आप प्ले होने लगेगी।
जैसे ही आपका ओपन होता है आप बॉटम पे आइए एंड देखिएगा अभी आपकी ये प्ले होने लगेगी। मैंने इसे सेव नहीं किया है, या फिर बेटर होगा कि सारे के सारे ऑप्शन जो हैं पब्लिश होने के बाद ज़्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे पब्लिश कर लेते हैं, इसे हम पोस्ट कर देते हैं, कंफर्म कर लेते हैं एंड इसका प्रीव्यू हम हटा देते हैं, ये जो ऑप्शन है प्रीव्यू का, एंड अगेन जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसे हम व्यू पे जाते हैं, मतलब इस वेबसाइट को हम देखते हैं और यहाँ पे जो इसका लिंक है हम इसे लिंक पता कर लेते हैं एंड ये वाला जो URL है हम इसे कॉपी कर लेते हैं। दूसरे हम टैग पे जाएंगे, टैब पे जाएंगे, कंट्रोल से पेन करके एंड ये ओपन करके हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी कर देंगे, एंटर कर देंगे। अब देखिएगा आपके सामने वो जो वीडियो है ऑटोमेटिकली प्ले होने लगेगी। रीड मोर पे जाइए ताकि पूरा कंटेंट आ जाए आपके सामने, आप ये देखेंगे ये वीडियो अपने आप प्ले होने लगी है। यहाँ पे देखिएगा म्यूट नहीं है, मतलब कोई भी जाएगा तो अगर आपके चैनल पे आपके अगर पोस्ट पे जो आपका ये पोस्ट है अगर एक साथ कई सारी वीडियोज़ हैं तो काफ़ी इरिटेटिंग लगेगा, तो इसीलिए आप जनरली म्यूट कर दिया करिए ताकि सामने वाले को पता भी ना चले कि आपने कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है, मतलब एम्बेड की हुई है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, आप वापस जाइए अगेन और आपकी ये जो कोडिंग्स हैं आप उनमें जाना होगा, जो आपके टैग्स हैं आप अगेन जाइए, देखिए आप HTML व्यू पे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपने ऑटो प्ले दिया है आप ये देखिएगा, ये आपने ऑटो प्ले ऑप्शन दिया है और आपको डुअल कोट से पहले क्या करना है, आपको एंड का ऑप्शन देना है जो कि शिफ्ट के साथ 7 से आ जाता है एंड आपको इसके बाद म्यूट पे जाना है, MUTE। और म्यूट पे जैसे आप करेंगे बराबर आपको कर देना है जो आपने पढ़ा होगा सर्किट्स में, जो फिजिक्स में रहता है, जीरो को मतलब जीरो बराबर मतलब नहीं एंड एक के बराबर मतलब एस होता है, तो आप यहाँ पे एस अगेन दे दीजिए, एक दे दीजिए एंड इसके बाद आप इसे अपडेट कर दीजिए। अगेन आप जाइए उस वाली जो आपकी वेबसाइट है जहाँ पे आपकी वेबसाइट, देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी क्रॉस का साइन नहीं है, मतलब ये म्यूट नहीं है। अगेन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखिए आ जाएगा ये म्यूट है। दोस्तों इसी तरह से आप वीडियो के अतिरिक्त तो कोई अन्य भी अपलोड कर सकते हैं, अन्य का मतलब आप कोई भी फॉर्म्स, टेबल, डेटा किसी अन्य वेबसाइट से भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं और एम्बेड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहेगा कि जो भी रहेगा वो आपको ही पूरा बेनिफिट मिलेगा, सीधा आपके चैनल को पूरा बेनिफिट मिलेगा। अब देखिएगा दोस्तों हम बताते हैं आपको कि वीडियो लूप कैसे कराते हैं, मतलब अगर आपने एक बार प्ले कर दिया तो बार बार वीडियो प्ले होगी, आपको इसके लिए करना क्या है, आपको इसके लिए करना है ये म्यूट के बाद, म्यूट बराबर एक जहाँ पे आपका लिखा है उसके बाद आपको एंड का साइन देना है शिफ्ट के साथ 7 से, इसके बाद आपको लिख देना है प्लेलिस्ट PLAYLIST, देन आपको करना है बराबर का साइन देना है, आपने प्लेलिस्ट दिया बराबर का साइन दिया। अब देखिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जो एम्बेड के बाद वो वाला लिंक है जो मैंने पहले बताया था आपको, आपको यहाँ से और ये लास्ट तक जो क्वेश्चन मार्क आपने मैनुअली है उससे पहले आपको जाना है एंड यहाँ पे कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट के बाद जो आपने बराबर साइन दिया है डुअल कोड से पहले आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ये आपने देखिए पेस्ट कर लिया है ऑलरेडी, पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको एंड का साइन देना है एंड यहाँ पे करना है आपको लूप LOOP बराबर कर देना है आपको एक करेंगे तो ये एस माना जाएगा। देन अगेन आपको करना क्या है, अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद अगेन आपको अपनी उस वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे आपकी वेबसाइट है, अगेन आप इसे अगर रिप्ले करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो अब ये देखिए आपके सामने ये वीडियो प्ले होने लगी है, म्यूट है जितना आपने दिया है। उसके अतिरिक्त जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में जाते हैं, चलिए मैं लास्ट में जा रहा हूँ, मैं आपको लूप दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा इसकी टाइमिंग क्या है, 32, 33, 37 तक है ये अगेन प्ले होने लगा। तो इस तरह से ये अनलिमिटेड टाइम मतलब हमेशा के लिए ये वीडियो चलेगी।